ने राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुर का और आरा का परचम लहराई है। बताते चलें कि पहली बार जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए बेटियों के ऊपर भोजपुरी में सोहर गीत लिख करके एक कार्यक्रम में शामिल हुई और उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर स्मिता कुमारी के न सिर्फ सोहर को की सराहना मिली, इस भोजपुरी गीत को प्रथम पुरस्कार भी मिला है। रीतियां बदले खाती धिया वाजा नाम लिहलो हो, बड़ी रे तपस्या के मांगल एधियावा नाही दान करब हो, एधियावा ऐसन घरे तोहरा बिया हम जे कुछ ना दहेज लिहे हो। नमस्कार, मैं स्मिता कुमारी पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ और सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र की डायरेक्टर हूँ। भोपाल में सरोकार संस्था की कुमुद सिंह द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर समानता के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें 4 प्रतियोगिताएं शामिल की गई थी। बेटी के जन्म के बधाई गीत, एक ऐसा लेख जिसमें आपने जेंडर इक्वलिटी के लिए कर्तव्य निभाए हों, रील्स बनाना और जेंडर इक्वलिटी पर ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता, इन 4 प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया और इस अभियान से जुड़े इसकी मुझे बेहद खुशी है। मुझे बेहद खुशी है, गौरव फील हो रहा है कि जिस भोजपुरी को लोग बोलना नहीं चाहते हैं या झिझकते हैं या जिसको अभी भी भाषा की दर्जा नहीं मिली, उस भोजपुरी में लिखी गई मेरी गीत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला। तो इस अभियान के हिस्सा होने की और जीत हार से परे होकर इससे जुड़ने की मुझे खुशी है और ये खुशी मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। सरोकार की सभी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। बताते चलें कि आरा के नवादा के रहने वाली स्मिता कुमारी आमतौर प्रोफेशनल तौर पर मनोवैज्ञानिक है और वो जेंडर समानता को लेकर के काफी काम करती हैं। जेंडर समानता को बढ़ाने के लिए भोजपुरी में बेटियों के ऊपर पहली बार किसी ने सोहर लिखा है। सोहर के बारे में भी आपको बता दें कि सोहर एक पारंपरिक गीत है जो कि आमतौर बेटा के लिए, बेटा पैदा होने पर हमारे समाज में गाया जाता है, लेकिन पहली बार बेटियों के लिए स्मिता कुमारी ने न सिर्फ गीत लिखा बल्कि उनको गीत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से भी नवाजा गया है। स्मिता कुमारी आरा की नवादा के रहने वाली हैं और भोपाल के एक सरोकार संस्था के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया गया था जेंडर समानता में के लिए, और उस कार्यक्रम में स्मिता कुमारी हिस्सा ली थी, अपने गीत को उसमें शामिल कराई थी। उस गीत को भोजपुरी में जो सोहर गाई है और उनके द्वारा लिखा गया है, उस सोहर को प्रथम पुरस्कार मिला है। न्यूज 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।